गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने बात करेंगे जो फोटोसिंथेसिस रिलेटेड टॉपिक चल रहा था, लाइट रिएक्शन। इन्हीं लाइट रिएक्शंस में आप लोगों ने कुछ पार्ट स्टडी किए थे, जिसमें से आपका फर्स्ट पार्ट जो था वो था एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और सेकंड पॉइंट था एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और वी कैन से रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट अपने जो डिस्कशन किया था वो किया था फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड, और फोर्थ पॉइंट जो अपने डिस्कशन करने वाले हैं वो बात करेंगे अपने ETS यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और वी कैन से फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसकी भी अपने डिस्कशन इस चैप्टर में अभी करने वाले हैं। देखें होता क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन होता क्या है, पहले इसको देखें, थोड़ा सा इधर समझने की कोशिश करें। मान लो अपने पास ADP मॉलिक्यूल है, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट मॉलिक्यूल है, और आप इसके साथ में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच करना चाह रहे हो। तो जैसे ही आप इस AMP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच करोगे तो ये आपका प्रोड्यूस हो जाएगा ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो AMP के साथ फॉस्फेट अटैच हो रहा है, इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं भाई? फॉस्फोराइलेशन। आप सीधा सा बात यूं कह सकते हैं कि AMP टू ADP, और इसी टाइप से भी आप ADP के साथ में क्या कर दें, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच कर दें, और इससे किसका प्रोडक्शन कर दें यहाँ पर ATP का, तो ये भी आपका क्या है भी फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस है। इन्हीं दोनों ही क्या है, फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस को शो कर रहे हैं। अब अपने बात कर रहे हैं, ये जो फॉस्फोराइलेशन है मतलब ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच करना या AMP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच करके ADP प्रोड्यूस करना। अब अपने को ये कंफर्म है कि जो फॉस्फेट होता है ना, फॉस्फेट ये नेगेटिव चार्ज है। कैसा है भाई? नेगेटिवली चार्ज है, और इस AMP में देखो ऑलरेडी फॉस्फेट है, और इसके साथ फिर से आप क्या अटैच करवाना चाह रहे हो, फॉस्फेट अटैच करवा रहे हो। मींस ये नेगेटिव, ये फॉस्फेट क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो इसको फिर भी आप अटैच करवा रहे हो, इसका मतलब आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए भी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये एनर्जी जो है वो अपने यूज करें कहाँ से, वो लाइट एनर्जी, या यूं मान लें कि फोटॉन्स की फॉर्म में यूज करें। तो इस टाइप के फॉस्फोराइलेशन में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एनर्जी आपकी लाइट है और फोटोन की है, तो उसको बोल देंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोल देंगे भाई? फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो सीधा सा मीनिंग ये हुआ कि फोटोफॉस्फोराइलेशन होता क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। यानी फॉस्फोराइलेशन क्या है, तो आप बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। इफ इन दिस प्रोसेस एनर्जी यूज फ्रॉम लाइट एनर्जी और वी कैन से फ्रॉम फोटोन, देन इट इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। और बाई चांस आप ये कहते हैं कि भी इसी प्रोसेस में एनर्जी जो है वो किसी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से ऑब्टेन होती, ऑक्सीडेशन से यानी ग्लूकोज या फूड की ऑक्सीडेशन से एनर्जी ऑब्टेन होती, तो उसको बोल देते ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोल देते भी? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन क्या चीज है ये अपने को कंफर्म हो गया। दूसरा पॉइंट कि फॉस्फोराइलेशन है वो टू टाइप का हो सकता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा कौन सा है भी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये तो अपने रेस्पिरेशन के अंदर डिस्कशन करेंगे, रेस्पिरेशन का जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। और ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ATP प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी प्रोसेस है भाई, वो है फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फॉस्फोराइलेशन या फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है वो अपना टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। तो एक बार इस चीज़ को आप अलग से नोट करें, फिर अपने बात करेंगे कि जो लाइट रिएक्शन है ग्रेना पार्ट जो है, उस ग्रेना पार्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फोटोफॉस्फोराइलेशन किस टाइप से होता है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद आगे चल रहे हैं।
देखें भाई, ये कह रहा है कि जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है या जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि भाई इस टाइप से आपके पास ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल था, क्लोरोफिल ए का P700 मॉलिक्यूल था, फोटो सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं, उस फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल था, कौन सा भाई, P700, और इसके साथ में अदर मॉलिक्यूल थे जिनको आप एंटीना मॉलिक्यूल बोल रहे थे। आपको याद आ रहा होगा मैंने फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड में कुछ डिफरेंसेस बताए थे आप लोगों को, कि फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है उसका सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल ए 700, और इसके अलावा जो एंटीना मॉलिक्यूल्स होंगे जिसके अंदर अदर पिगमेंट्स होंगे, इसी टाइप से फोटो सिस्टम सेकंड डिस्कशन किया था, और उसमें आप लोगों ने लिखा था कि उसका रिएक्शन सेंटर जो होता है क्लोरोफिल ए 680 होता है। अभी देखो ये कह रहा है कि इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट, या यूं मान लें कि पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, आपने कहा कि सर सनलाइट जो आएगी ये सनलाइट इसके पास आएगी, या यूं मान लें कि इन एंटीना मॉलिक्यूल्स के पास जो लाइट एनर्जी आएगी, ये लाइट एनर्जी की वजह से एंटीना मॉलिक्यूल इस एनर्जी को दे देगी किसको भाई, सेंट्रल मॉलिक्यूल को, और इसी सेंट्रल मॉलिक्यूल से इसी लाइट एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे भाई, एक्साइट होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होने वाले हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सबसे पहले जाएंगे आपके फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास, यानी किसके पास जा रहे हैं, एफ आर एस के पास। फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो है FRS जो है उसके पास ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। यानी सीधा सा पॉइंट ये आ गया कि आपने कहा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और वी कैन से एक्साइटमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट कैरियर्स के थ्रू क्या होंगे, रोटेट होंगे, और इलेक्ट्रॉन का रोटेशन या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाता है भी, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है, यानी ETS कहलाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो साइक्लिक मैनर में होंगे या फिर किस मैनर में होंगे, नॉन साइक्लिक, तो अपने सबसे पहले बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन हो रहा है साइक्लिक मैनर में, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। देखो ये कह रहा है कि फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो है वो रियल में, मैं यहाँ फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ इसकी, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ये FRS जो है उससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास भी, फेरोडॉक्सिन के पास, FD के पास जाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है कि ये बीच का ऐसा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो क्या कर रहा है, फेरोडॉक्सिन का रिडक्शन करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। हालांकि इससे पहले जो है वो ऐसा माना जाता था कि डायरेक्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जाएंगे, फेरोडॉक्सिन, बट प्रेजेंटली FRS जो इंटरमीडिएट है उसको इंक्लूड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए फेरोडॉक्सिन पे, और ये कह रहा है कि फेरोडॉक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो रहे हैं आपके साइटोक्रोम B6 के पास, किसके पास शिफ्ट हुए भी इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम बी शिफ्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हुए, और ये कह रहा है कि जैसे ही फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम, फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं साइटोक्रोम B6 पे, तो इस फेरोडॉक्सिन और इसकी जो एनर्जी गेन करने की जो डिफरेंस है, यही मान लें कि फेरोडॉक्सिन और साइटोक्रोम B6 में एनर्जी डिफरेंस है, और उसी एनर्जी डिफरेंस की वजह से कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, और वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या करेगी, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच करके किसकी फॉर्मेशन कर देगी, ATP। यानी यहाँ क्या हो जाएगा कि जो एनर्जी, फेरोडॉक्सिन हाई एनर्जी कंटेनिंग मॉलिक्यूल है, अब इस पे एनर्जी थी, इसने नेक्स्ट को ट्रांसफर किया, इसकी एनर्जी जो गेनिंग पावर है वो कम है, और कम होने की वजह से जो एनर्जी, एक्सेस एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को आपने यूज कर लिया ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच करके किसकी फॉर्मेशन कर ली, ATP की, यानी ये क्या कर लिया आप लोगों ने, फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस कर ली। अब ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए साइटोक्रोम B6 के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से शिफ्ट होते हैं साइटोक्रोम F के पास, किसके पास शिफ्ट हो रहे हैं अभी, साइटोक्रोम F के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होंगे, और साइटोक्रोम F के पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो इसी टाइम भी ये कह रहा है कि कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल जो है एनर्जी रिलीज होती है, और इसी से भी किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ATP की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी वही ADP प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से किसका प्रोडक्शन हो जाएगा, ATP का प्रोडक्शन जो है वो हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग हुआ कि ATP कितने टाइम प्रोड्यूस होगी, 2 टाइम प्रोड्यूस होगी। अब ये कह रहा है कि साइटोक्रोम F जो है, इस साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे PC के पास, किसके पास भी,
टीसी के पास, प्लास्टोसाइनिन के पास शिफ्ट होंगे, किसके पास, मैं लिख देता हूं, प्लास्टोसाइनिन जो है उसके पास शिफ्ट होंगे, और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन वापिस किसमें शिफ्ट हो जाएंगे भी, जहां से एक्साइट हुए थे, यानी इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो किस मैनर में हुई, ये मैनर है इसका भी साइक्लिक मैनर में हुई, यानी ये हो जाएगा साइक्लिक, ईटीएस, या फिर आप इसको बोल सकते हैं साइक्लिक फोटो फॉस्फो राइलेशन। आई थिंक समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देखें इसको। ये कह रहा है कि इस साइक्लिक मैनर में फर्स्ट ऑफ ऑल जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब किया एंटीना मॉलिक्यूल ने, आप लोगों को याद आ रहा होगा कि इसमें P700 है, यानी फोटोसिस्टम फर्स्ट यूज कर रहा है, PS जो है वो फर्स्ट यूज हो रहा है इसमें, फोटोसिस्टम फर्स्ट, और इन एंटीना मॉलिक्यूल ने जो एनर्जी गेन की उस एनर्जी को इसने किसको दे दिया, सेंट्रल मॉलिक्यूल को, और सेंट्रल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होने की वजह से निकल गए, और ये इलेक्ट्रॉन किसके पास शिफ्ट होंगे, ये फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ये आयरन सल्फर प्रोटीन होती है भाई, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस जो है वो आयरन सल्फर प्रोटीन है, ये फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे फेरोडॉक्सिन पे, और फेरोडॉक्सिन से जैसे साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F पे शिफ्ट होंगे, फेरोडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F पे, तो ये कह रहा है कि कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी से आप किसका प्रोडक्शन कर रहे हो, ATP का जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है, और उसके बाद साइटोक्रोम एफ से प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन से वापस जो इलेक्ट्रॉन है जहां से एक्साइट हुए थे उस जगह पे पहुंच जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो कौन से मैनर से हो रही है भाई, साइक्लिक मैनर में इलेक्ट्रॉन जो है उनका सर्कुलेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का रोटेशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक ईटीएस, और वी कैन से साइक्लिक फोटो फॉस्फो रिलेशन। आप लोगों को पता होगा कि साइक्लिक फोटो फॉस्फो रिलेशन में आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो वर्क कर रहा है भाई, तो ये आपका रहा फोटो सिस्टम फर्स्ट, और ये अपना कंप्लीट होता है। एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले फिर अपने आगे चलते हैं। देख भाई सेकंड जो अपना आ रहा है वो आ रहा आप लोगों का नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फो राइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, या फिर आप इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को आप दूसरा नेम भी दे सकते हैं, जेड स्कीम, या फिर आप इसको बोल सकते हैं नॉन साइक्लिक ईटीएस। तो नॉन साइक्लिक ईटीएस या जेड स्कीम की जो बात कर रहे हैं, इसके अंदर पहला तो अपने आपको पता रखना है कि बोथ टाइप ऑफ फोटोसिस्टम आर इंक्लूडेड इन दिस। देखो इसमें होगा क्या, वही सेम टू सेम ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और क्लोरोफिल जो है यहाँ ए का मॉलिक्यूल जो है P680 वाला आता है, यानी यहाँ फोटो सिस्टम सेकेंड जो है वो यूटिलाइज होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी गेन करने का काम कौन करेगा, फोटो सिस्टम सेकेंड जो है वो एनर्जी यूज करेगा, यानी वो इसके एंटीना मॉलिक्यूल एंड सेंट्रल मॉलिक्यूल जो होगा वो P680 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, या यूं मान लें कि P680 मॉलिक्यूल जो है ये सनलाइट की जो लाइट एनर्जी होगी उस लाइट एनर्जी को ऑब्टेन करने का गेन करने का काम करने वाला है, और इससे जो लाइट एनर्जी एंटीना मॉलिक्यूल्स के पास आएगी, एंटीना मॉलिक्यूल से जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो जाएगी किसके पास भी, ये एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी आपके सेंट्रल मॉलिक्यूल के पास, सेंट्रल मॉलिक्यूल के पास एनर्जी जो है वो शिफ्ट होने के बाद इससे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होंगे वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोक्स 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके जाएंगे फियोफाइटिन के पास, कितने इलेक्ट्रॉन अभी 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे किसके पास जाएंगे, ये जाएंगे फियोफाइटिन के पास, फियोफाइटिन के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होंगे, फियोफाइटिन से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होते हैं प्लास्टोक्विनिन के पास, PQ के पास, किसके पास शिफ्ट हो रहे हैं अभी, प्लास्टोक्विनिन के पास, मैं यहां लिख देता हूं प्लास्टो क्विनिन, प्लास्टोक्विनिन के पास, और प्लास्टोक्विनिन से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट होते हैं आपके साइटोक्रोम B6 के पास। देखो वहां आप लोगों ने कहीं लिखा था कि जब फेरोडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 पे ट्रांसफर हो रहे थे, ATP का प्रोडक्शन हो रहा था,
बट ये कह रहा है प्लास्टोक्विनिन और साइटोक्रोम B6 पे जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन जो इधर शिफ्ट होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा। उसका रीजन है कि प्लास्टोक्विनिन और साइटोक्रोम B6 की एनर्जी जो डिफरेंस है वो लेस होता है, इस वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन जो है वो सॉरी एटीपी प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पाता। ये कह रहा है कि साइटोक्रोम B6 से जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं वो शिफ्ट होंगे साइटोक्रोम एफ पे, किस पे भी सेम टू सेम मेथड है साइटोक्रोम एफ पे, और अपने को ये कंफर्म है कि साइटोक्रोम एफ पे शिफ्ट होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में एनर्जी जो है वो रिलीज होगी और उस एनर्जी का यूज जो है वही एटीपी प्रोडक्शन में, एडीपी प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी एटीपी प्रोडक्शन में ये एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी। और साइटोक्रोम एफ से जो इलेक्ट्रॉन है वो उनकी शिफ्टिंग होती है प्लास्टोसाइनिन के पास, वो पीसी के पास, और पीसी से ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं आपके फोटोसिस्टम फर्स्ट पे, यानी इसमें रोटेशन नहीं हो रहा। P700 मॉलिक्यूल जो है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, इसके अलावा इसके जो एंटीना मॉलिक्यूल्स है, ये जो शिफ्टिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, ये आपकी शिफ्टिंग हो जाएगी किसके पास भी, ये प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किस पे, फोटोसिस्टम फर्स्ट पे। ये कौन सा है अभी पीएस फर्स्ट है, तो पीएस फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन, और ये कौन सा सिस्टम है पीएस सेकेंड, तो पीएस सेकेंड ने फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट लाइट एनर्जी जो जिसको एब्जॉर्व किया, इसे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए फियोफाइटिंग से किसके पास प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम एफ एंड प्लास्टोसाइनिन, और प्लास्टोसाइनिन से जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पे शिफ्ट हो गए फोटोसिस्टम फर्स्ट पे, यानी P700 मॉलिक्यूल, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, आप बोलेंगे फेरोडॉक्सिन रेड्यूसिंग सबस्टांस के पास। FRS से ये जो इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है फेरोडॉक्सिन पे, FD के पास। यहाँ ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन से शिफ्ट हो रहे हैं, बट फेरोडॉक्सिन से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन जो है उनकी शिफ्टिंग हो जाएगी NADP मॉलिक्यूल पे, टू मॉलिक्यूल ऑफ NADP जो है उन पे शिफ्टिंग होगी, और शिफ्टिंग होने से ये हो जाएगा आपका टू मॉलिक्यूल NADP माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्ट है वो NADP पे शिफ्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो NADP मॉलिक्यूल है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जो NADP मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से जो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होने की वजह से कन्वर्ट हो जाएगा NADP यानी निकोटीना अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जो है उसमें कन्वर्ट होगा। अब ये कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन में जो फोटोसिस्टम सेकंड था वो बैलेंस नहीं हुआ, इस फोटोसिस्टम सेकंड के पास जो इलेक्ट्रॉन थे जो रिलीज हुए थे वो इलेक्ट्रॉन इसके पास साइक्लिक मैनर में वापस नहीं आए, और साइक्लिक मैनर में नहीं आए इसलिए इसको बोलते हैं आप लोग कौन सा सिस्टम भी, नॉन साइक्लिक। देखो इसमें एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोल देंगे, इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं जेड लाइक स्ट्रक्चर की वजह से। दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर कि इसको बैलेंस करने का काम कौन करेगा, तो इसी सिचुएशन में ये कह रहा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है H2O जो है, वो लाइट एनर्जी की वजह से, यानी लाइट या यूं मान ले मैं यहाँ लिख देता हूँ फोटोन की वजह से ब्रेक डाउन होंगे, और ये ब्रेक डाउन होकर फोर मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन आयंस के, फोर तो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे, साथ में आप लोगों के फोर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे, और साथ में वन मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। ये वन मॉलिक्यूल O2 जो है वो तो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी, वन मॉलिक्यूल O2 जो है वो तो एनवायरनमेंट में चली जाएगी, ये फोर इलेक्ट्रॉन जो है उन इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी फोटोसिस्टम सेकंड पे, यानी फोटोसिस्टम सेकंड क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। और उसके अलावा बात करते हैं अपने कि ये जो हाइड्रोजन आयंस जो प्रेजेंट है, फोर हाइड्रोजन आयंस जो है, उन हाइड्रोजन आयन की शिफ्टिंग जो है वो इधर देखना किस टाइप से, ये हाइड्रोजन आयन शिफ्ट होंगे आपके NADP पे, और NADP पे जैसे हाइड्रोजन आयन शिफ्ट होंगे इससे प्रोड्यूस हो जाएगा टू मॉलिक्यूल NADPH2। क्या प्रोड्यूस हो गया अभी NADPH2, और ये NADPH2 एंड ATP बोथ प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिस्टम ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक मैनर, और वी कैन से जेड स्कीम ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन। देखो ATP भी प्रोड्यूस हो रही है, साथ में किसका प्रोडक्शन हो रहा है NADPH2 का, और इसी प्रोसेस में आपका फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और वी कैन से कि फोटोन एनर्जी की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है उनका ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी हो रहा है, और इस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से जो हाइड्रोजन आयंस होंगे उनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उससे फोटोसिस्टम सेकंड जो है वो रीबैलेंस होता है। तो देखो आपको कहीं टू टाइप्स ऑफ जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो कंप्लीट हो गया अपना टॉपिक, साइक्लिक मैनर और दूसरा आपका नॉन साइक्लिक।
अब देखो आप लोगों को पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड का टॉपिक जो था उसमें मैंने डिफरेंस बताए थे। देखो पीएस फर्स्ट में लिखा था कि इट इंक्लूड इनटू साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक बोथ टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो देखो पीएस फर्स्ट जो है वो नॉन साइक्लिक में भी यूज हो रहा है और भी इससे पहले आप लोगों ने साइक्लिक मैनर में भी किया था, जबकि फोटोसिस्टम सेकंड जो है वो ओनली किस में आ रहा है, जेड स्कीम और वीकेंड से नॉन साइक्लिक में। दूसरा आप लोग ये भी कह सकते हैं कि जो फोटोसिस्टम फर्स्ट जो है, सॉरी जो जेड स्कीम है, उस जेड स्कीम के अंदर प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ सनलाइट जो है वो कौन होता है, फोटोसिस्टम सेकंड होता है, जबकि साइक्लिक मैनर में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है, भी आप लोगों का प्राइमरी या लास्ट एक्सेप्टर कौन होता है, सीधे सी बात है फोटोसिस्टम फर्स्ट ही होता है। तो ये आपका नॉन साइक्लिक मैनर हुआ। नॉन साइक्लिक में एटीपी एंड एनएडीपीएस2 बोथ आर प्रोड्यूस्ड, व्हाइल इन साइक्लिक मैनर ओनली एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। वहां तो ओनली टू एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे थे, फेरोडॉक्सिन टू साइटोक्रोम B6 पे और साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F पे, जबकि इसमें वन प्लेस पे तो क्या हो रहा है, एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है और साथ में क्या प्रोडक्शन हो रहा है भी, NADPH2 मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें उसके बाद अपने आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट अपने लाइट एक्स में फिफ्थ पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं वो है आपका रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड इमर्सन इफेक्ट। देखो रेड ड्रॉप इफेक्ट और इमर्सन इफेक्ट की बात करेंगे, इमर्सन का जो इफेक्ट है उसी को आप बोलते हैं एनहांसमेंट इफेक्ट। एनहांसमेंट इफेक्ट और इमर्सन इफेक्ट, दूसरी बात करेंगे रेड ड्रॉप इफेक्ट। देखो आप लोगों को याद आ रहा होगा क्लोरेला जो एलगी थी, उस क्लोरेला एलगी पे जो इमर्सन साइंटिस्ट था, इमर्सन एंड उसके साथ में कौन सा था भी, आर्नोल्ड जो साइंटिस्ट था, उस इमर्सन और आर्नोल्ड का एक एक्सपेरिमेंट था किस पे, क्लोरेला पे। और क्लोरेला पे एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने बताया कि जब आप लोग मोनोक्रोमिक लाइट जो है वो अवेलेबल कराते हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो हमेशा क्या होती है, कम रहती है एज कंपेयर टू व्हेन वी प्रोवाइड पॉलीक्रोमिक लाइट। पॉलीक्रोमिक में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या होती है भी, हाई होती है। तो पॉलीक्रोमिक में हाई और मोनोक्रोमिक में लेस थी। इसी सिस्टम से रिलेटेड आपका टॉपिक आया था जिसको आपने बोला था फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड, यानी टू फोटोसिस्टम जो है उसका कॉन्सेप्ट इसी से निकल के आया था। अब आप देखें कि किस टाइप से मोनोक्रोमिक और पॉलीक्रोमिक लाइट का है, ये आपके लाइट जो थी उस लाइट के अंदर इन्होंने प्रिज्म रखा और प्रिज्म रखने के बाद ये जो लाइट है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई थी, यानी वही विबग्योर के अंदर कन्वर्ट हो गई थी। अब इन्होंने क्या किया कि इस प्लांट को, इस एलगी को इन्होंने वॉयलेट लाइट प्रोवाइड कराई, सपोज दैट उसके अंदर 10 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एक आइडिया ले रहा हूं मैं, कोई फिक्स नहीं है। जब इन्होंने इंडिगो प्रोवाइड कराई तो ऐसी सिचुएशन में जो है वो 15 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। ब्लू प्रोवाइड कराई तो मान लो वो 40 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। ग्रीन जी उस टाइम में 0 किलो कैलोरी, येलो जो थी उससे सपोज दैट 25 किलो कैलोरी, ऑरेंज से सपोज दैट 35 किलो कैलोरी, ये 5 ले लेते हैं भाई 5 किलो कैलोरी, और ये जो आपका था इससे 45 कर देते हैं, और रेड जब प्रोवाइड कराई तो ये थी 50 किलो कैलोरी। इन्होंने जब मोनोक्रोमिक लाइट अवेलेबल कराई, सपोज दैट एक आइडिया दे रहा हूँ, तो आप कहोगे कि सर वॉयलेट से जब आप इंडिगो पे जा रहे हो तो इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो 10 का हो रहा है, और इंडिगो से जब आप ब्लू की तरफ जा रहे हो तो इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो 20 का हो रहा है, उसके बाद में कोई डिफरेंस नहीं है। बट आप ये देखें कि रेंज में इंडिगो के बाद में यदि आप ग्रीन येलो की बात करें तो उसमें फिर 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है 15 to 25, और इस येलो के बाद ऑरेंज की तरफ जा रहे हो तो कितना इंक्रीमेंट, यहाँ भी 10 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब इसके बाद में सेकंड लार्जेस्ट जो ब्लू के अंदर है 45 है, यानी 35 से कितनी इंक्रीज हुई, 10 इंक्रीज होगी। तो अब आप कम से कम ये मान रहे थे ना कि जब रेड वाली लाइट अवेलेबल कराएंगे तो 55 तो कम से कम आना चाहिए था,
बट यहाँ कितना आ रहा है 50 किलो कैलोरी। यानी उनको एक्चुअल में क्या था कि जब ये वॉयलेट टू रेड की तरफ इंक्री लाइट प्रोवाइड करा रहे थे, यानी जब मोनोक्रोमिक लाइट अवेलेबल करा रहे थे प्लांट को, जब वॉयलेट से रेड की तरफ ये जा रहे थे, तो आफ्टर 680 नैनोमीटर की जो लाइट थी, यानी 680 से अबाव की जब इन्होंने लाइट दी, तो ऐसी सिचुएशन में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो जितनी इंक्रीज होनी चाहिए थी उतनी इंक्रीज नहीं हुई। यानी उसमें कुछ ना कुछ अपने को क्या मिला, डिक्रीमेंट मिला। यानी वैसे तो इंक्रीज थी बट जितनी होनी चाहिए थी उतना प्रोडक्ट अपने को नहीं मिला। तो इन्होंने कहा कि जो डेफिशिएंसी आ रही है या डिक्रीमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस में आ रहा है, फोटोसिंथेसिस की रेट जो डिक्रीज हो रही है, उसी को इन्होंने बोला क्यों हो रहा है, क्योंकि रेड लाइट की तरफ, क्योंकि रेड कलर जो है वो 680 के बाद में फार रेड आ जाता है, तो उसकी वजह से डिक्रीमेंट हो रहा है, उसी को इन्होंने नेम दिया रेड रेड ड्रॉप इफेक्ट। क्या नेम दिया भाई, रेड ड्रॉप इफेक्ट। यानी आप मोनोक्रोमिक लाइट देते हो तो वॉयलेट टू रेड की तरफ जाओगे तो रेड जो है उसमें जितना इंक्रीमेंट होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, यानी उसमें कुछ डिक्रीमेंट मिलता है, इसी को इन्होंने नेम दे दिया रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो अपने बात करें कि रेड ड्रॉप इफेक्ट जो है उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होगी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसकी डेफिनेशन की बात करें अपने, तो आप लिख सकते हैं व्हेन मोनोक्रोमिक लाइट लॉन्गर देन 680 नैनोमीटर इज प्रोवाइडेड टू नैनोमीटर वेवलेंथ इज प्रोवाइडेड टू प्लांट देन क्वांटम यील्ड सडनली डिक्रीज या ड्रॉप्ड डाउन, और ड्रॉप डाउन हुई, दिस इफेक्ट इज नोन एज रेड ड्रॉप इफेक्ट। इसी को आपने क्या नेम दिया भाई, रेड ड्रॉप इफेक्ट नेम दे दिया। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया कि रेड ड्रॉप इफेक्ट जो है वो क्या था। उसके बाद इमर्सन इफेक्ट और एनहांसमेंट इफेक्ट जो था वो क्या था, कि जब इन बंदों ने, यानी इमर्सन और आर्नोल्ड ने क्या किया कि व्हेन दे प्रोवाइड शॉर्टर एंड लॉन्गर देन 680 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट लाइट मिक्सचर टू प्लांट देन क्वांटम यील्ड, और वी कैन से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज। और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो इंक्रीज हुई उसी इंक्रीमेंट को इन्होंने बोल दिया एनहांसमेंट, एनहांसमेंट इफेक्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इमर्सन्स इफेक्ट। यानी खुद के नेम के अकॉर्डिंग इस इफेक्ट को नेम दे दिया इमर्सन इफेक्ट और एनहांसमेंट इफेक्ट। तो ये आपका रेड ड्रॉप इफेक्ट और इमर्सन्स इफेक्ट जो है वो कंप्लीट होता है। कहने का मीनिंग, अपनी लाइट रिएक्शन जो थी क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में कंप्लीट हो रही थी, उसमें कुछ स्टेप आप लोगों ने लिखे। फर्स्ट स्टेप लिखा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी एंड एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और वी कैन से रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। सेकंड आप लोगों ने जो पॉइंट लिखा वो लिखा था कॉन्सेप्ट ऑफ टू फोटो सिस्टम, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड का डिस्कशन किया। एक पॉइंट आप लोगों ने डिस्कशन किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर फोटोफॉस्फोरिलेशन, जो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक बोथ मैनर में थे। इनका प्रोडक्ट आप लोगों को पता है कौन सा था भी, एटीपी एंड एनएडीपीएच2 मॉलिक्यूल थे। और उसके अलावा आप लोगों ने डिस्कशन किया रेड ड्रॉप इफेक्ट और इमर्सन इफेक्ट। लास्ट एंड फाइनल आप लोग 6 नंबर का मैं यही लिख देता हूँ,
वो आप लिख सकते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो आपको पता है कि जो नॉन साइक्लिक मैनर था, नॉन साइक्लिक जो सिस्टम था साइक्लिक, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका ब्रेकडाउन हो रहा था, मतलब उसका क्या हो रहा था, फोटोलाइसिस हो रहा था और ऑक्सीजन जो है वो इवोल्व हो रही थी नॉन साइक्लिक में, जबकि साइक्लिक वाले में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये अपनी कंप्लीट होती है लाइट रिएक्शन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें और अपनी कॉपी में नोट करें। देखें भाई आगे अपने बात करते हैं कि जो लाइट रिएक्शन है या जो हिल रिएक्शन थी, जिनको आप लाइट रिएक्शन हिल रिएक्शन बोल रहे थे, इन हिल रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट जो थे, इन हिल रिएक्शन और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट जो है वो कौन से थे, इन प्रोडक्ट्स की बात जो है वो अपने कर लेते हैं। हिल रिएक्शन का रिजल्ट जो है वो अपने को क्या मिलने वाला है उसका डिस्कशन करेंगे। देखो सबसे पहले तो बात आप कर रहे हैं कि हिल रिएक्शंस के अंदर जो कंपाउंड यूज हो रहे हैं वो, आपने कहा कि सर एक तो इसमें एडीपी जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, सॉरी एडीपी जो है वो यूज हो रही है, उसके अलावा आप बोल रहे हैं कि इसके अंदर यूज हो रहा था एनएडीपी, इसके अलावा आप लोग इसमें बोल रहे थे कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यूज हो रहा था, और एंड प्रोडक्ट जो है वो अपने को क्या मिल रहे थे, NADPH2 मॉलिक्यूल, इसके अलावा आपको मिल रहे थे ATP मॉलिक्यूल, और इसके अलावा आप लोगों को मिल रहा था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो भी मिल रहे थे। ये आप लोग बोल सकते हैं कि जो लाइट रिएक्शन है उन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है, और ये लाइट रिएक्शन में जनरली यूज हो रहे हैं, और इसमें आपकी एनर्जी यूज हो रही थी सनलाइट, या यूं मान लें कि जो लाइट एनर्जी है वो डायरेक्ट यूज हो रही थी। तो ये जो आपके लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है, ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट यूज होंगे किसके अंदर भाई, ये आपके प्रोडक्ट यूज होंगे डार्क रिएक्शन के अंदर। किसमें यूज होंगे, डार्क रिएक्शन जो आएगी स्ट्रोमा पार्ट के अंदर आएगी, उनके अंदर कंप्लीट यूज होंगे। तो ये अपने डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें।